ये जो MIUI 13 14 सपोर्टेड थीम है इसका आप लॉक स्क्रीन देखिए, इस टाइप का है। लॉक स्क्रीन में ही आपको वेदर का विजेट दिख जाएगा, वेदर का इन्फॉर्मेशन आपको शो करेगा। इधर आपको क्लॉक विजेट वगैरह शो करेगा, बैटरी का इन्फॉर्मेशन शो करता है, सेकंड का कांटा भी है, डेट वगैरह भी है। स्वाइप टू अनलॉक है, जैसे ही आप अनलॉक करोगे तो आपको होम स्क्रीन इस टाइप का दिखेगा। होम स्क्रीन में भी आपको विजेट जो है वेदर का दिखेगा, इधर भी आपको क्लॉक दिखेगा। वॉलपेपर भी काफ़ी अच्छा है और वॉलपेपर के कलर के हिसाब से कंट्रोल सेंटर आपका जो है कलर मैच करके दिया है, चेंज है। इधर भी आपको एक इफेक्ट दिखेगा, जिस टॉगल के ऊपर आप टैप करोगे तो वो कलर चेंज करता है। देखिए बहुत ही ऑसम लगता है देखने में, इस टाइप का है। और MIUI 13 14 दोनों को ही सपोर्ट करता है। जैसे कि मैंने आपको कहा, आइकॉन्स इसका मुझे बहुत ही पसंद आया, इस टाइप का कलर में है, वाइट, और इसको ग्रे कह सकते हैं, ग्रे और ब्लैक का कॉम्बिनेशन आप कह सकते हो, तो इस टाइप का दिखेगा। जब आप इसको अप्लाई करोगे तो आपको पता लगेगा, बहुत ही ऑसम लगा मुझे इसका आइकॉन्स पैक। स्टेटस बार में जो आइकॉन्स है थोड़े बहुत चेंज है, सेटिंग UI भी आपको अलग दिखेगा, पीछे का बैकग्राउंड जो है उसी वॉलपेपर की तरह है, आइकॉन्स भी इस टाइप से चेंज है। और इस थीम का नाम है, आपको थीम स्टोर में सर्च करना होगा, प्ले या स्पेस देखे YA Space M14, सेम टू सेम यही लिखिएगा तो आपको मिल जाएगा। 60.5 MB का है, ये इसके ओनर है और ये फ्रीली डाउनलोड करने के लिए आपको मिल जाएगा। और इस थीम को डाउनलोड कर देने के बाद आप एक बार फ़ोन को रीस्टार्ट यानी रिबूट कर दीजिएगा ताकि अच्छी तरह से अप्लाई हो जाए। इस थीम को आप किसी भी Xiaomi, Redmi या फिर Poco फ़ोन में डाउनलोड करके अप्लाई कर सकते हो। MIUI 13 14 सपोर्ट करता है।